हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव धवन। स्वागत है आपका एक और जबरदस्त सेशन में, जिसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एक और द हिंदू के एडिटोरियल की। दोस्तों, आई एम डीपली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड लाइक्स, जो आपने मेरे पहले वीडियो को अप्रिशिएट किया, मैं उसका तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं आपको ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस डिलीवर करता रहूंगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हैव अ लुक एट द एडिटोरियल जो 28th ऑफ जुलाई को पब्लिश हुआ था, यानी कल पब्लिश हुआ था। और आर्टिकल है अप अप एंड अवे ऑन सेंसेक्स न्यू हाई। ये आर्टिकल इस एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बेस्ड है कि एकदम से ही सेंसेक्स के अंदर बहुत ज्यादा उछाल आ गया, इतना उछाल आ गया कि आर्टिकल का नाम रख दिया गया अप अप एंड अवे। दोस्तों, ये आर्टिकल मेनली ये बात बता रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर भले ही उछाल आ गया हो, यानी कुछ कंपनीज के अंदर चाहे बहुत, कुछ कंपनीज की जो शेयर प्राइसेस हैं उनमें चाहे बहुत ही ज्यादा उछाल आ गया हो, उनके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हों, पर जो ओवरऑल जो ये इंक्रीमेंट हुआ है ये नैरो है, यानी ये कोई अपने कह सकते हैं कि होलिस्टिक ये इंक्रीमेंट नहीं है, बस कुछ ही कंपनीज के शेयर प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो आज मैं आपको कुछ इसके अंदर बेसिक बातें भी बताऊंगा शेयर मार्केट से जुड़ी, कि ये क्या चीज है, ये कैसे चलती है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप रेगुलरली जो है मेरे सेशंस को देखते रहें और आपको अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना सेशन। इंडियाज बेंचमार्क स्टॉक इंडाइसेस आर रोरिंग अगेन। इंडियाज बेंचमार्क, दोस्तों बेंचमार्क का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड, एक मिसाल जैसे, जिसको अपने कह सकते हैं। इंडिया के जो स्टॉक इंडेक्स हैं, अब ये भी बता दो दोस्तों, इंडाइसेस यहां प्लूरल वर्ड है, स्टॉक इंडेक्स एक होता है, जब एक से ज्यादा स्टॉक इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो वो स्टॉक इंडाइसेस हो गए हैं। रोरिंग का मतलब जो है वो एक तरीके से जैसे दहाड़ना होता है, तो यहां पे वो, क्योंकि वो बहुत बढ़ गया है, रोर का मतलब बढ़ना भी होता है। तो इंडिया का जो बेंचमार्क था, जो स्टैंडर्ड था अब तक का, जो अब तक की मिसाल थी स्टॉक इंडेक्स की, वो और इंक्रीज हो गई है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एक बार फिर बढ़ गई है। विद द निफ्टी एंड द सेंसेक्स स्केलिंग ऑल टाइम हाई ऑन फ्राइडे, क्रॉसिंग द 11,200 एंड 37,300 लेवल्स रेस्पेक्टिवली। यानी निफ्टी और सेंसेक्स, ये दो एक ऐसे कंपनियां कह दो, ये दो ऐसे ग्रुप हैं जिनके लेवल से हम आइडिया लगा लेते हैं कि शेयर मार्केट किस लेवल पर चल रही है, यानी हमारे देश की जो कंपनी है, कंपनीज हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो अभी वो कह रहे हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब ही दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ना होता है, दोनों ही जो ये जो ग्रुप्स हैं जो बताते हैं कि शेयर मार्केट्स के बारे में, इन दोनों के अंदर ही जो इनका जो लेवल है वो बढ़ रहा है और बहुत बढ़ गया फ्राइडे को, और उसने अब तक के जो रिकॉर्ड थे, अब तक का जो बेंचमार्क था, अब तक की जो मिसाल थी उसको भी क्रॉस कर दिया, और वो बेंचमार्क निफ्टी का 11,200 था और सेंसेक्स का था 37,300, और इन्होंने दोनों ही लेवल्स को क्रॉस कर दिया। सो दोस्तों, थोड़ा सा भी और आगे चलते हैं, बताता हूं फिर मैं साथ साथ। A result largely of increased buying by foreign institutional investors and expectations of strong first quarter earnings results. ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो एकदम से ये जो उछाल आया है शेयर मार्केट के या शेयर प्राइसेस के, जो शेयर्स हैं उनके प्राइसेस के अंदर ये जो एकदम से उछाल आया है, जिसकी वजह से ही सेंसेक्स या निफ्टी का जो लेवल है वो बढ़ गया है, वो इस वजह से आया है क्योंकि एकदम से बाइंग हुई है, खरीददारी हुई है,
शेयर्स की किसके द्वारा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जरिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है दोस्तों फॉरेन के लोग या फॉरेन की कुछ कंपनीज जिन्होंने इंडियन कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए। मतलब अगर कोई भी इंसान अगर किसी कंपनी के शेयर तभी खरीदता है जब उसे विश्वास हो कि इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, तो ये कंपनी इस कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अगर एकदम से बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदे गए हैं इंडियन कंपनीज के, तो इट मींस कि लोगों को या जितने भी लोग जो बाहर से खरीदने वाले हैं उनको विश्वास है कि इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इंडिया तरक्की कर रहा है और हमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये जो शेयर मार्केट है ये भी बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, यानी कि पॉलिटिक्स पर भी डिपेंड करती है। एक कंट्री जो इकोनॉमिकली स्टेबल है या आप ये कह दो इकोलॉजिकली भी स्टेबल है, वहां भूकंप नहीं आते या ज्यादा कुछ नहीं होता, सिस्टम सही चलता है, तो उन पे भी शेयर मार्केट डिपेंड करती है। और कभी कभी तो सेंटीमेंट्स पे भी डिपेंड करती है, यानी अगर कुछ बहुत सारे लोगों ने किसी अफवाह की वजह से भी शेयर मार्केट से पैसे निकाल लिए, अपने शेयर बेच दिए, तो भी कभी कभी शेयर मार्केट जो है वो ढीली पड़ जाती है। तो अब सबको विश्वास है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको विश्वास है और एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि फर्स्ट क्वार्टर जो है वो उनके अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। इट टुक द सेंसेक्स जस्ट 13 ट्रेडिंग सेशंस टू मूव फ्रॉम 36,000 टू 37,000 पॉइंट्स, यानी पहले काफी गिरावट आई हुई थी बीच में, लेकिन अब सिर्फ 13 ही सेशंस लगे हैं जो कि बहुत थोड़े होते हैं 36,000 से 37,000 के आंकड़े को पार करने में। Coming after both indices witnessed extremely sharp corrections a few months ago, the rally has occurred. यानी जब से इन दोनों indices ने, यानी Nifty ने और Sensex ने उस चीज को देखा है, witness का मतलब होता है देखना या उस चीज को experience करना, वो sharp corrections को झेला है या देखा है कुछ महीने पहले, उसी time ही rally आई है। Rally का मतलब है दोस्तों एकदम से रिकवर करना, एकदम से स्ट्रेंथ में आ जाना, स्ट्रेंथ आ जाना। तो जब कोई इंसान वीक पोजीशन में चल रहा हो, जब कोई वीक सिचुएशन चल रही हो, उसमें एकदम से जब कोई रिकवरी होती है, कोई स्ट्रेंथ आती है, उसी को रैली कहा जाता है। तो वो जो वीक सिस्टम चल रहा था जो इन दोनों इंडाइसिस ने देखा, उसमें रैली आई। लेकिन जो कुछ और भी इंडाइसिस हैं, when other emerging market indices have failed to recover their losses since the fall in February, तो और कई इंडाइसिस हैं उनमें वो रिकवरी अभी नहीं देखने को मिली है, लेकिन इनमें वो रिकवरी आई है। द स्विफ्ट रिकवरी however is not reflective of a secular rise। स्विफ्ट का मतलब होता है दोस्तों एकदम से आई, सडन, जो ये जो सडन रिकवरी हुई है, हालांकि ये कोई इस चीज को नहीं दर्शाती कि ये एक सेक्युलर राइज है। सेक्युलर का मतलब यहां पे कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है, यहां पे सेक्युलर का मतलब एक ओवरऑल राइज कह दो, होलिस्टिक राइज कह दो, कि ये जो रिकवरी हुई है या ये जो एक इंक्रीमेंट हुआ है, ये सब कंपनीज के शेयर प्राइसेस में नहीं हुआ है। While the sharp market correction in February hit stocks across the board, this rally has been limited to a few pockets of the market. जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये जो sharp correction हुआ है market के अंदर जो February के बाद, ये हुआ तो all over ही है, मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंट ये एक ग्रोथ या सिग्निफिकेंट एक इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये जो रिकवरी है ये कुछ ही कंपनीज तक लिमिटेड है, सबको ये सब जगह उछाल नहीं आया, सब कंपनीज में वो चीज नहीं देखने को मिली। हैवी वेट ब्लू चिप स्टॉक सच एज HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड इन्वेस्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट व्हाइल मेनी अदर्स हैव लैग्ड बिहाइंड। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है, जैसे कि HDFC, रिलायंस, ITC, ये जो है इन्होंने जो है इस जो उछाल आया इसमें कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा किया है, लेकिन बाकी जो छोटी मोटी कंपनीज थी वो काफी पीछे रह गई हैं। ऑलमोस्ट हाफ द कंपनीज इन द निफ्टी स्टिल ट्रेड बिलो देयर 200 डे मूविंग एवरेज, अ साइन ऑफ इनसफिशिएंट प्राइस लेंथ। यानी लगभग 200 दिनों का अगर आंकड़ा अगर एवरेज लगाई जाए तो 200 दिनों में जो उतार चढ़ाव आया है अभी भी वो कंपनीज उसी एवरेज के आसपास घूम रही हैं,
और ये चीज शो करती है, ये एक निशानी है कि अभी उनके प्राइस में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है. द डाइवर्जेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस स्टॉक्स बिकम्स क्लियरर व्हेन लार्ज कैप्स आर कंपेयर टू स्मॉलर कंपनीज. दोस्तों डाइवर्जेंस का मतलब होता है एक तरीके से थोड़ी बहुत वैरायटी वाली बात कह दो या डिफरेंस वाली बात कह दो, कि जो अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जो परफॉर्मेंस है बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर वो क्लियर हो जाता है जब आप लार्ज कैप्स को कंपेयर करते हैं स्मॉलर कंपनीज के साथ. दोस्तों मैं आपको ये थोड़ा सा सिस्टम बताना चाह रहा हूँ, बीच में आएगा बार बार. कैप्स यानी मिड कैप्स, स्मॉलर मिड कैप्स, लार्ज कैप्स या स्मॉल कैप्स. कैप्स का मतलब होता है दोस्तों ग्रुप ऑफ कंपनीज कह दो चाहे, यानी पोर्टफोलियो बना होता है जिसके अंदर कुछ कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं. अगर तो लार्ज कैप्स उनको बोला जाता है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का वो ग्रुप होता है. मिड कैप्स के अंदर फिर थोड़ा सा उससे कम लेवल की, छोटे लेवल की, और स्मॉल कैप्स का मतलब फिर उससे भी छोटे लेवल की कंपनीज का जो ग्रुप्स जो ग्रुप होता है. तो वो कह रहे हैं कि आपको क्लियर कट परफॉर्मेंस में डिफरेंस मिल जाएगा जब आप कंपेयर करोगे लार्ज कैप्स को स्मॉलर कंपनीज के साथ. द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप इंडाइसेस विच फेल मोर शार्पली देन द बेंचमार्क इंडाइसेस अर्लियर दिस ईयर आर स्टिल ट्रेडिंग बिलो वेल बिलो देयर हिस्टोरिक हाइज इन जनवरी. मतलब जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडाइसेस हैं, जैसे अभी हमने कहा निफ्टी और सेंसेक्स, ऐसे उनके अलग हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के अलग ही हैं. तो वो अभी विच फेल, वो बहुत ज्यादा गिर गए थे अपने बेंचमार्क से इसी साल के अंदर, वो अभी भी जो पहले ऑलरेडी गिर गए थे वो अभी भी काफी नीचे हैं, वेल बिलो देयर हिस्टोरिक हाईज इन जनवरी. यानी कहां जनवरी के अंदर वो बहुत हाई थे और जब से गिरे हैं तब से बहुत नीचे अभी भी गिरे ही हुए हैं. कौन से? मिड कैप एंड स्मॉल कैप. While the Sensex has gained almost 10% since the beginning of the year, हालांकि Sensex ने 10% तक, almost 10% तक gain कर लिया है इस साल की शुरुआत से, the mid and small cap indices are significantly down. लेकिन ये दोनों जो indices हैं ये बहुत अभी क्या है, काफी हद तक down है. Not surprisingly, यानी ऐसी कोई हैरानी नहीं है. Overall market capitalization is still below its historic high reached in January. दरअसल जनवरी के अंदर मार्केट बहुत हाई चला गया था. अगर उस चीज से कंपेयर करें तो अब जो उछाल आया है इसने पूरी मार्केट को, पूरी मार्केट के अंदर इंक्रीमेंट नहीं दिया है. तो जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई है, कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है दोस्तों पैसे का इन्वेस्ट करना. जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करना होता है तो जब उसके लिए जो फंड चाहिए, जो पैसा चाहिए होता है उसको कैपिटल कहते हैं. और कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब आता है कि पैसा और इन्वेस्ट करना है. तो अगर मार्केट में पैसा आ रहा है इट मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन हो रहा है. तो जितना मार्केट में पैसा जनवरी के टाइम तक, एक जो उस टाइम जो एक लेवल था वो अभी भी नहीं पहुंचा है. तो वो एक हिस्टोरिक लेवल था और वैसे उस लेवल तक मार्केट नहीं पहुंची है. बस उछाल जरूर आया है, वो आया कुछ कंपनीज की वजह से है. द प्रेजेंट स्टॉक मार्केट रैली क्लियरली डज नॉट येट मार्क अ रिटर्न टू द गुड ऑल्ड डेज. यानी ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिकवरी आई है वो अभी भी उस, मतलब हमें अभी उन अच्छे दिनों की तरफ नहीं लेके गई है. मतलब ये चीज ये नहीं शो कर रही कि अभी वो अच्छे वाले दिन जो है वो आ गए हैं. वो वाले अच्छे दिन कौन से? व्हेन इन्वेस्टर्स कुड एक्सपेक्ट मल्टी बैगर रिटर्न्स. जब इन्वेस्टर्स जो है वो उम्मीद रख सकते थे कि, बैगर का मतलब होता है दोस्तों, बैग का मतलब होता है जैसे झोली में डालना, कि उनके कई गुना रिटर्न्स उनकी झोली में आ जाएंगे बाय बैटिंग. बैटिंग का मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करना भी है. बैटिंग का मतलब यहाँ पे एक तरीके से बस समझ लो जुआ खेलना जैसा ही है भी, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ जैसा ही है. बाय बैटिंग ऑन स्टॉक्स अक्रॉस द वाइडर मार्केट, यानी स्टॉक्स के ऊपर, स्टॉक्स का मतलब शेयर प्राइसेस, मतलब शेयर्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के. तो आपके पास उनका कितना स्टॉक है, तो अब आप जो है कितना स्टॉक किसी कंपनी के शेयर्स का खरीदते हो, तो ये एक जुआ ही है. तो अब वो वाले अच्छे दिन अभी तक हालांकि नहीं शो कर पा रहे हैं. जो प्रेजेंट स्टॉक मार्केट है अभी वो नहीं शो कर पा रहा है. सेवरल स्टॉक्स इन द मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी हैव फॉलन टू लेवल्स रेमिनिसेंट ऑफ बियर मार्केट. देखो सर, देखो स्टूडेंट्स,
स्टॉक मार्केट के अंदर ये दो वर्ड आपको मिलेंगे, बुलिश एंड बेयरिश। जब भी बियर वर्ड का मतलब आता है तो मार्केट गिरी हुई है, यानी जितने भी सिक्योरिटीज हैं, जितने भी शेयर्स हैं, उनके प्राइसेस अभी फिलहाल गिरे हुए हैं। जब भी बुलिश वर्ड आता है, इट मींस मार्केट में उछाल आया है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, या ऑलरेडी मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे, ऊपर वाले लेवल पे है। तो अब ये कहा जा रहा है कि सेवरल स्टॉक्स इन द मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी हैव फॉलन टू लेवल्स रेमिनिसेंट ऑफ अ बियर मार्केट। यानी रेमिनिसेंट का मतलब होता है दोस्तों, जो चीज रिमाइंड करा दे किसी और चीज के बारे में, यानी याद करवा दे, या यादगार भी कह सकते हैं किसी चीज की निशानी टाइप का। तो अब जो स्टॉक्स हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के, वो इस लेवल तक गिर गए हैं कि वो याद करवा रहे हैं, या वो एक यादगार बन जाएंगे, जो एक मार्केट जो गिरी हुई है उसके मतलब एक सिग्निफिकेंट लेवल तक गिर गए हैं कि एक निशानी के तौर पे एक बेंचमार्क, नीचे वाला बेंचमार्क जो है वो शो करेंगे उसको। तो यानी आप ये कह दो कि जिस लेवल पे अभी गिरे हुए हैं, ये चीज शो कर रही है कि वाकई मार्केट मंदी है, उनकी उनकी तो मार्केट जो है वो बहुत गिरी हुई है फिलहाल। इन्वेस्टर्स आर नाउ प्रोबेबली सीकिंग सेफ्टी इन अ फ्यू लार्ज कैप स्टॉक्स दैट ऑफर बेटर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स कंपेयर टू अनटेस्टेड एंड रिस्कियर स्मॉलर कंपनीज। जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोबेबली यानी शायद, सीकिंग यानी चाहते हैं, अब क्योंकि वो शायद सेफ्टी चाहते हैं, इसीलिए अब उनका जो ज्यादा ध्यान है वो किधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटर क्वालिटी होती है अर्निंग्स की, यानी चाहे जो उनमें जो रिटर्न है वो इतना ज्यादा ना मिले, लेकिन लगभग यही रहता है कि वो अर्न ही करते हैं, रिस्क उनमें बहुत कम होता है, और रिस्क जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा कम होता है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा होता है। तो वो अब उन कंपनीज में, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे जो अनटेस्टेड है या बहुत ज्यादा ही रिस्कियर है। द रिटर्न ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बाइंग ऑल्सो सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स मे बी बेटिंग ऑन इंडिया ओवर द इमर्जिंग मार्केट्स दैट हैव सफर्ड मोर सिवियरली। जो रिटर्न है, यानी अब जो वापसी हो रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बाइंग की, यानी ये जो खरीदारी हुई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वो हमारे यहाँ खरीदारी जब कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे शेयर्स के अंदर, ये चीज शो कर रही है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो जो इंडिया के ऊपर बेट कर रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो देखा जाए तो जगह तो और भी है, इन्वेस्ट तो कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, पर वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट मींस कि जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो हमारे और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो हैं, उनसे ज्यादा हम पे भरोसा किया जा रहा है, या जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उन, वो ये माना जा रहा है कि ग्लोबली जो दिक्कतें आ रही हैं वो इमर्जिंग कंट्रीज में ज्यादा आ रही हैं, वो उनसे ज्यादा जूझ रहे हैं, अभी इंडिया में उतनी वो जो दिक्कत है वो नहीं है। It, however, remains to be seen if mid caps and small caps will follow the large caps. अब ये देखना अभी भी बाकी है, remains to be seen कि क्या, if दोस्तों if का मतलब क्या भी होता है, हमेशा अगर नहीं होता, ध्यान रखना, if क्या mid caps या small caps large caps को follow कर पाएंगे, यानी जो increment, जो उछाल, जो recovery वहां आ रही है, क्या वो small cap या mid cap में आएगी एंड रिज्यूम देयर जर्नी अपवर्ड, और क्या वो अपनी जर्नी जो है अब ऊपर वाली साइड शुरू कर पाएंगे। एल्स द लैक ऑफ सफिशियंट ब्रेथ इन द वाइडर मार्केट विल प्रेसेज। नहीं तो क्या होगा, वरना क्या होगा कि ये जो मार्केट है जिसके अंदर अब कमी हो रही है सफिशियंट ब्रेथ की, हेलो, वैसे तो ये वाइडर मार्केट है लेकिन अभी कमी जो हो रही है इसके अंदर, विल प्रीसेज। प्रीसेज का दोस्तों मतलब होता है ये, एक शायद आपने शायद वर्ड सुना होगा, हार्बिंगर या ऑगर, यानी पहले से एक निशानी दे देना फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मींस टू शो, टू गिव अ सिग्नल रिगार्डिंग व्हाट इज अबाउट टू हैपन। तो ये कहा जा रहा है कि वरना ये जो जिस टाइप की जो अभी सिचुएशन चल रही है, विल प्रेसेज एन इवेंचुअल करेक्शन इन द लार्ज कैप्स टू। इवेंचुअल का मतलब होता है आखिरकार या फाइनली जो है ये एक करेक्शन, अगर ये नहीं सुधरे तो फिर कोई ना कोई जो चेंज जो है वो जो लार्ज कैप्स में भी आ सकता है। अब आप जो कुछ भी समझ सकते हैं कि अगर
ये इन्होंने अपना रुख नहीं बदला स्मॉल कैप या मिड कैप में, तो कोई ना कोई ये निशानी है, फिर कोई ना कोई चेंज जो है वो लार्ज कैप्स में भी आ सकता है। दोस्तों आई होप कि मेरा ये जो प्रयास है, मेरा ये जो अटेम्प्ट है, ये आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।